सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। पूर्वानुमान जारी किया कि इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया गया, देश में अनाज की पैदावार भी घट सकती है और इससे देश में महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। मतलब कि अभी गर्मी के मौसम के बाद इस साल 2023 की जो वर्षा ऋतु आएगी ना, उसमें स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कम बारिश का अनुमान जताया गया है। जुलाई अगस्त में बताया जा रहा है कि सामान्य से 20% बारिश कम होगी और इससे किसान भाई लोगों को भी परेशानी हो सकती है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, एलोन मस्क ने ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया। हालांकि वे अभी तक भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब एलोन मस्क ने फॉलो किया कल से ही, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर इनसे कई सवाल भी पूछे कि क्या टेस्ला कंपनी भारत आ रही है। वैसे आपको बता दूं एक फैक्ट, अभी तक एलोन मस्क सिर्फ 195 लोगों को दुनिया में ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, विस्ट्रॉन के आईफोन प्लांट के टेक ओवर के लिए तैयार है टाटा कंपनी। इस महीने के आखिरी तक अधिग्रहण पूरा हो जाएगा और इस प्लांट में आईफोन 15 बनाए जाएंगे। अच्छा बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। सीपीआई और टीएमसी से यह दर्जा छीन लिया है। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई ये अभी नेशनल पार्टी नहीं है। इसकी वजह यह है कि इन पार्टियों के पास देश में 6% से भी कम वोट हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अब जैसे कांग्रेस बीजेपी है ना, उस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और वहां बोले कि अरुणाचल के लोग नमस्ते नहीं बल्कि जय हिंद बोलते हैं, यहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन को चेतावनी देते हुए यह संबोधन दिया उन्होंने। हालांकि गृह मंत्री के इस दौरे पर चीन ने आपत्ति जताई और देखिए बौखलाया ड्रैगन, कहा कि इससे भारत चीन सीमा विवाद बढ़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करने पहुंचे हैं गृह मंत्री 2 दिन के दौरे पर, और यहां पर उन्होंने चाइना को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी कोई भारत से कब्जा नहीं कर सकता। वह देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूली लड़कियों को फ्री में पेड दे सरकार। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए 4 सप्ताह में यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार करें। जी हां, हमारे देश की लड़कियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 6ठी से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अब हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी अच्छा बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका जैसा बनाएंगे। जो जिला टनल का दौरा भी किया उन्होंने, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा खबर है कि भारत और अमेरिकी की वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। कलाईकुंडा और आगरा एयरबेस पर कोप इंडिया 23 के वॉर गेम्स का आयोजन हो रहा है, इसमें जापान भी शामिल होगा। अच्छा आपको बताओ दोस्तों, आजकल हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कई ऐसी खबरें देखने को मिलती है, शादी में डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया, कई लोगों को यूं ही पैदल चलते चलते जिम में वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक के मामले देश में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। तो हंसते खेलते युवाओं के हार्ट फेल क्यों हो रहे हैं, मौतों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इस पर अब भारतीय वैज्ञानिक स्टडी करेंगे। पहली बार एक्सपर्ट टीम हार्ट अटैक के कारणों की जांच करेंगी। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह आदेश जारी किया और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR को मेयो कार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर स्टडी करने के लिए कहा गया है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया के नीम हकीमों पर अब सरकार कसेगी नकल। अब बिना योग्यता के नहीं बता पाएंगे बड़ी बड़ी बीमारियों की दवा। दरअसल आपको पता होगा सोशल मीडिया पर कई लोग हेल्थ टिप्स देते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं, तो उन्हीं लोगों को आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि ऐसे जो सोशल मीडिया पर डिजिटल नीम हकीम है ना, वो अब उनके पास अगर डिग्री नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों की दवा नहीं बता पाएंगे। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह सभी पर, है ना, ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अच्छा इंडियन रेलवे पर भी देखिए, कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। अगर ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाएगा ना, तो रेलवे इसके लिए जिम्मेदार होगा और आपके सामान की भरपाई भी रेलवे को करनी पड़ेगी। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन कोर्ट की तरफ से ट्रेन यात्रियों के हक में यह अहम फैसला सुनाया गया। बड़ी खबर है, बैंकिंग IT सर्विसेज की आउटसोर्सिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए नॉर्म्स जारी हुए हैं। 1 अक्टूबर से ही कुछ नए नियम लागू होंगे। दरअसल नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज और अन्य रेगुलेटेड फाइनेंसिंग सेक्टर एंटिटीज में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज को लेकर RBI की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इन नियमों में RBI ने इन कंपनीज को क्या आदेश जारी किए, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे, है ना। अच्छा वही स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से देश के निवेशकों को चेतावनी दी गई, अलर्ट किया गया डब्बा ट्रेडिंग के खिलाफ। दरअसल NSE का कहना है कि गारंटीड रिटर्न का चक्कर आपको भारी पड़ सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं ना, तो उनको आगाह किया इस तरह के मामले को लेकर। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं, अगर कोई कंपनीज, कोई स्टॉक ब्रोकर आपको गारंटीड रिटर्न का लोभ देकर के आपके ज्यादा पैसे लगवा रहा मार्केट में, तो जरा सावधान हो जाइए, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर आ चुका है। पाकिस्तान के लिए एक नई चेतावनी निकल कर आ रही कि 3 साल में पाकिस्तान को $77.5 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है। अच्छा हमारे भारत देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले 5 दिन युगांडा मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे जिंजा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। 6 दिन तक विदेश यात्रा रहेगी उनकी। भारत के लिए उनके इस विदेश दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, समलैंगिक जोड़ों को मिले बच्चा गोद लेने का अधिकार। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है कि जो समलैंगिक विवाह करते हैं, चाहे लड़का लड़का
चाहे लड़की लड़की, उनको भी मतलब बच्चा गोद लेने का, अडॉप्ट करने का राइट्स मिलना चाहिए। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस याचिका पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन अग्निवीर स्कीम पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमा कीजिए, हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना शुरू की ना, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस योजना को सही ठहराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के लिए खुशखबरी आई है। अडानी ने ऐसा फैसला लिया जिसकी देश भर में तारीफ हो रही है। दरअसल एक तो अडानी पावर प्लांट की तरफ से बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वहां भी बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई है। ये पावर प्लांट 16,000 करोड़ रुपए का है। और इसके अलावा देखिए